आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन दिन है मेरे मेरे ना जहन में अभी अभी आया, वरना ये बात मैंने पहले करनी थी। पाकिस्तान के साथ जो आज हुआ है ना, वो उसका उसका दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा 26 अगस्त है ना आज, यस 26 अगस्त है इंटरनेशनल डॉग डे। बेशक गूगल पे चेक ओ कर ले मुझे नहीं उसके नक्शे की शक्ल भी कुछ कुछ ऐसी ही है। दो मिनट में लेना चाहता हूँ G7 समिट वाला जो वाकया हुआ है उस पर, और जी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो सम्मान मिला है UAE गवर्नमेंट की तरफ से, ऑर्डर उस ऑफ पर मैं जायद। बात करना चाहता हूँ। या द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है यस बिल्कुल उस पर बिल्कुल थोड़ी सी बात करनी है। अच्छा ऐसे करते हैं, मैं थोड़ी सी सिविलियन अवार्ड पे बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान का की जो वॉट लगी है G7 पे वो आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है? जी अच्छा, बिल्कुल वो कहते हैं ना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये अवार्ड जो है UAE की गवर्नमेंट किस किस को दे चुकी है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और मोदी जी से पहले सिर्फ 3 लोगों को मिला है। रशियन ओके प्रेसिडेंट पुतिन को, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ को, और चाइना के जो है वो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, यस यस शी तीन लोगों को जिनपिंग पहले दे चुके हैं। चौथा प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। अच्छा, अब यहाँ ये देखिए कि जब ये अवार्ड मिल रहा था तो जी पाकिस्तान में ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा था, शेम हाँ ऑन UAE। अब ये याद अच्छा रखिएगा कि ये वही UAE है जिसने जी अभी 3-4 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान बैंकरप्ट होने चला था, यूएई ने बिल्कुल इनको बचाया है बिल्कुल कि ये लो भीख ले लो भैया, कोई टर्म्स नहीं है, बिल्कुल कोई कंडीशंस नहीं है, कोई लोन नहीं है, तो और उसको क्या कह सकते हैं, भीख ही कह सकते हैं। तो बिल्कुल वो मुझे एक ना कहावत, एक स्टोरी याद आ गई कि एक सड़क के किनारे एक भिखारी खड़ा था। तो एक गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाले ने भिखारी को 10 रुपए दिए और आगे चला गया। आगे उसको उसका दोस्त मिला, उस दोस्त पे ना दोस्त को उसने ना गाड़ी से केक निकाल के दिया, तो वो भिखारी ने ना अच्छा 10 रुपए फाड़ दिए ओ हाँ कि यार उसको उसको केक देता है और मुझे 10 रुपए दे के चला गया। वो समटाइम्स क्या होता है कि भिखारी जो है ना वो अपनी औकात भूल जाता है। तो भाई आपकी तो बिल्कुल पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को मेरा ये क्या कहते हैं, पैगाम है, संदेशा है, या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मैसेज है यही कि भाई यस आप भिखारी हो, आपको भीख ही मिलेगी, आपको सिविलियन अवार्ड तो मिलने से रहे। हाँ, बिल्कुल वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो किया था, वो ड्राइवर बने थे उनके, तो क्या पता कि ऊबर की तरफ से आपको 5-स्टार रेटिंग भी मिल जाए, उसका चांसेस ज्यादा है, बिल्कुल इससे ज्यादा कि कुछ है ना वो कोई उम्मीद ना रखे। बिल्कुल एकदम बढ़िया हाँ, बात कही आपने एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पर, जी थोड़ा सा अगर इंडिया के, भारत के और UAE के अगर आप टर्म्स को देखें, इनके आपस में बायलैटरल रिलेशंस को देखें, तो अगस्त 2015 में मोदी जी ने लास्ट टर्म के दौरान, जब वो जो पहली दफा जब आए थे गवर्नमेंट में, तो हाँ अगस्त 2015 में मोदी जी UAE गए थे, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। जी वहां पर वो बहुत सारे MOUs, मेमोरेंडम्स वगैरह साइन करके आए थे ट्रेड से रिलेटेड। यस उस वक्त 2015 में ट्रेड वैल्यू वॉल्यूम जो था वो कोई 30 या 35 के आसपास, 30-35 बिलियन डॉलर्स के आसपास घूम रहा था। अच्छा ये याद रखिए कि इस वक्त जो सालाना एनुअल ट्रेड है, सालाना जो तिजारत होती है इंडिया के दरमियान और UAE के दरमियान, वो 60 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है। अच्छा 60 बिलियन डॉलर्स की बायलैटरल एनुअल ट्रेड है इंडिया और UAE के दरमियान। और इंडिया जो है
वो फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूएई से क्रूड ऑयल का, जी ठीक है। यूएई की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 9.4 मिलियन है, तकरीबन 94 लाख लोग या 1 करोड़ के करीब लोग हैं, जिसमें से 33% इंडिया है। अब इंडियंस जो है, वो कहाँ कहाँ पर है? यूएई के किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में चले जाए आपको इंडिया का डॉक्टर मिलेगा, किसी मॉल में चले जाए आपको इंडिया का ट्रेडर मिलेगा, किसी कंपनी में चले जाए आपको यूएई का इंडिया का इंजीनियर मिलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेडिकल। यूएई की बैकबोन है जो 33 मिलियन इंडियंस वहां पर रहते हैं। बिल्कुल अगर 33 मिलियन इंडियंस वहां पर सेफ ना हो, उनको फैसिलिटीज ना हो, उनको रिस्पेक्ट ना हो, तो यूएई खुद कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल तो यूएई की जो इकोनॉमी खड़ी है वो इंडिया की हेल्प से खड़ी है। और मैं, बिल्कुल चूंकि मैंने आप 60 बिलियन डॉलर की वो एनुअल ट्रेड बताई है, मैं आपको पाकिस्तान की भी बता दूं। पाकिस्तान भी बिल्कुल ट्रेड करता है यूएई के साथ। इनकी टोटल ट्रेड जो बनती है वो तकरीबन को बनती है 8 या 7 बिलियन डॉलर। मतलब बस ये पाकिस्तान, या बस पाकिस्तान यूएई के साथ जितनी ट्रेड करेगा शायद 6 या 7 साल में, इंडिया उतनी 1 साल में कर रहा है। तो भैया भिखारी हो आप, भीख मांग रहे हो आप, भीख मिल रही है, भीख पे खुश रहो। इससे ज्यादा नमक हरामी करोगे, बोलोगे, तो वो भीख मिलना भी बंद हो जाएगी, फिर कहाँ पर जाओगे? बिल्कुल बस बिल्कुल मुझे, बिल्कुल हाँ बस मुझे इतना सा, वो कहते हैं ना कि इंसान को किसी भी हालात में ना औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो औकात नहीं शायद भूलनी चाहिए। वो, हाँ वो शायद जेलसी में पाकिस्तानी जो है, या पाकिस्तान जो है, इस वक्त औकात भूल रहा है। और तो और पाकिस्तान के जो वो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने अपना यूएई का ट्रिप जो है, जो सरकारी दौरा है, ऑफिशियल विजिट है, वो कैंसिल कर दिया है कि जी भाई आपने अच्छा मोदी को ये अवार्ड क्यों दिया। अब एक चीज मैं भूल रहा था यहाँ पर, मुझे बहुत ज्यादा ऐड कर रही है, इस अवार्ड की टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग अच्छा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने, मैंने अपनी अपने चैनल पे वीडियो में भी डाला था कि पाकिस्तान ने एक वो डाला हुआ है कि मोदी जो है वो दूसरा हिटलर है, मुसलमानों की जो है वो नस्ल कुशी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, मुसलमानों का दुश्मन है, ऐसा है वैसा है। इस नैरेटिव की जो है ना, इस वक्त जो है इस अवार्ड ने बत्ती बना दी है, बत्ती बिल्कुल बना दी। बिल्कुल अगर अगर मोदी जी को दुनिया ये समझती कि वो कोई मुस्लिम हेट्रिड से भरे हुए हैं या मुसलमानों से हेट्रिड करते हैं, तो भैया यूएई क्या मुसलमान कंट्री नहीं है? क्या बिल्कुल सऊदी अरब मुसलमान कंट्री नहीं है? प्रॉब्लम बिल्कुल क्या है? वो भी मुसलमान कंट्री है, लेकिन उनके अंदर ये जिहादी कीड़ा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर ये टेररिज्म प्रोड्यूस करने वाला कीड़ा नहीं है। उनको पता है कि हमने दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, ट्रेड की तरफ जाना है, हमने इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है, हमने टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाना है। आप अभी तक फंसे हुए हो मोहम्मद के दौर में, सेवन सेंचुरी में, कि हमने जिहाद करना है, हमने दुनिया पे कब्जा करना है। तो फिर ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपका ये नैरेटिव कोई भी बाय नहीं करेगा, जो जो नैरेटिव आप दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी कुछ जेनोसाइड करवा रहा है या मुसलमान सुरक्षित नहीं है इंडिया में। और तो और वो सुना है ट्रंप ने भी जो है ना वो वापस चपेड़ मार दी है पाकिस्तान को। वो बताइएगा कि पाकिस्तान का के साथ क्या हुआ जरा। हाँ, उससे जस्ट पहले मैं थोड़ा सा एक वो लेना चाहूंगा। जो इंडिया में ये जो सप्लाई होता है, जो पेट्रो डॉलर हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, जो मस्जिदें बनती हैं वहां से जो फंड आता है, फंड रेजिंग होती है, एक्चुअली सरकारों का जो परसेप्शन होता है वो एक अलग होता है। उनको ट्रेडिंग में भी जाना होता है, उनको कदम से कदम मिला के बढ़ना होता है। आज नहीं तो बिल्कुल कल वहां तेल खत्म हो जाएगा, तो उनको आईटी में भी जाना है। आईटी का बहुत बड़ा हब आज इंडिया है, तो वो वहां पे भी अपनी ट्रेडिंग करेंगे, वहां पे भी अपना निवेश करेंगे। लेकिन जो एक एक जो मुसलमानों को, मुझे ऐसा लगता है, खासतौर पर जो हमारा एशियन मुस्लिम है, पहली चीज तो ये है कि यूएई सऊदीया यहाँ के मुसलमानों को एक्चुअली मुसलमान मानता नहीं है, और वो कई बार इस बात को बोल चुके हैं। सही पाकिस्तान के लिए अभी बात की है। पिछले, यह सभी पाकिस्तान के लिए उनके अभी एक
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा था कि वो सिर्फ हमारे एक तरीके से नौकर जैसे हैं और उसके फालतू कुछ भी नहीं है। अब्दुल्ला बिन अल जुबैर ने बोला था, यस, और दूसरी फॉरेन चीज मैं ये मिनिस्टर है। मानता हूँ, बिल्कुल, और दूसरी चीज ये है कि एशियन मुसलमानों को एक तरीके से, है ना, मैंने काफी इसके पीछे रिसर्च किया स्पार्टकस भाई, कि वहां के जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जो कि आपका हज के नाम के ऊपर, उमरा के नाम के ऊपर, इन लोगों को पता है अट्रैक्ट करते हैं, इनसे काफी मोटा पैसा लेते हैं। मैंने काफी सारे मुसलमानों से, तकरीबन 100 से ज्यादा मुसलमानों से बात की है, वो कहते हैं कि हम उमरा नहीं जाते हैं, हम हज भी नहीं जाते हैं, और काफी अहमदिया से भी बात करी है। तो उन्होंने मुझे डिटेल्स दी कि जो हज 3 दिन में समाप्त होने चाहिए था, उसको जबरदस्ती वहां 40 दिन रखा जाता है, और वहां से फिर बिजनेस होता है। और ये लोग जो हमारे देश में टायर पंचर करके, कूड़ा कचरा बीन के, उससे जो भी पैसा चुन पुन करके जो कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं ना, तो वहां वो हज के और उमरा के नाम पे बर्बाद करके आते हैं। बर्बाद करके तो आते हैं। यस, और ये सिर्फ इस्लाम का जो एक तरीके से पूरा बर्डन है, वो 1400 साल पुराने वाला जो इस्लाम, वो बर्डन हाँ पूरी तरीके से इनके कंधे पे छोड़ दिया है। आज उनकी लेडीज बाहर निकल रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रही हैं, इवन वहां पे वो स्विमिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है, सिनेमा शुरू कर दिया है। और अपने इंडिया में अभी तक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चालीस चालीस बच्चे पैदा करने के पीछे अभी भी लगे हुए, इवन काफिर मारने के हाँ चक्कर में, काफिर मारो योजना है, काफिर, मैं भी एक पोस्ट डाल मैं भी एक पोस्ट डाला था, तो उसमें उसने कहा कि अरे तुम और ये स्पार्टकस दोनों के दोनों ही काफिर हो। मैंने कहा मुझे लगता है तू काफिर मारो योजना की पैदाइश है। वो उसका कमेंट ही नहीं आया। मैंने कहा तेरी फैमिली जो है ना, वो काफिर मारने के लिए इकट्ठा हुए होंगे, और बस गलती से तू आ गया, तो इसलिए अब तेरे मुंह से तो यही हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो उसके बाद में कमेंट करने के लिए ही नहीं आया। तो मैं अपने दर्शकों को ही बताना चाहता था, स्पार्टकस भाई को ही ऑलरेडी पता ही है। बात करते G7 की, के वहां पे आज क्या हुआ है स्पार्टकस भाई एंड भाई सभी हमारे व्यूवर्स। G7 में आज एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, जो हमने जेस्चर देखा है ट्रंप का और मोदी का, मतलब वो इतने ज्यादा एक दूसरे से ओपन, फैमिलियर, फ्रेंड्स लाइक, और जिस तरीके से इंडिया में होता है, मीन टू से अपनी हथेली पे ट्रंप की का हाथ लिया और दूसरे हाथ से बहुत जोर से उसके ऊपर मारा भी था, मतलब फट की हाँ आवाज देखा, आई है मैंने बहुत वीडियो तेज देखा। आई। यस, और मतलब वो जेस्चर देखा, और फिर उसके बाद में जो उनका स्पीच आया, कमेंट आया एक दूसरे के लिए, तो नरेंद्र मोदी ने पहली चीज ये कही है कि द्विपक्षीय है, इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं है, ये हमारी और इंडिया की बात है, इसमें कोई बीच में नहीं आएगा। ट्रंप अभी तक तो जो कह रहा था कि हम इसमें मध्यस्थता करेंगे, उसने बिल्कुल साफ दो टूक शब्दों मना कर दिया, हम 370 35 से जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया, मोदी, इसके बीच में कुछ भी बोलने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात, मतलब कि अपने आका से जो एक उम्मीद लगाए हुए इमरान खान, पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट बैठी हुई थी, और वो जो सोच रहे थे कि इसमें कुछ होने वाला है, इसमें ट्रंप कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेगा G7 में, वो करेगा पूरी तरीके से मना कर दिया है। मीन टू से अगर उसको उम्मीद थी पहले के UAE, क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है भाई, हमारा सपोर्ट करेगा, हम लोग वहां है ना, कि मतलब इस्लामिक कंट्री है सोचते हुए, उसने उसके मुंह पे जो है कीचड़ में भिगो के जूता मार दिया हाँ बिल्कुल मारा है, बिल्कुल मारा है। और ना केवल डिनाई किया, उसको ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया नरेंद्र मोदी जी को। मैंने यही तो फिर बोला था कि उसकी टाइमिंग यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और जबरदस्त है। ये मैसेज है पाकिस्तान को, ये मैसेज है पाकिस्तान को कि अब ये टेररिज्म वाले उसे बाहर आ जाओ, आज बाहर आ जाना चाहिए दूसरी तरफ इसको। देखो। यस, और दूसरी चीज ये है, ट्रंप जो उसके बाद में बच रहा था, और देखो अमेरिका ने उसको हमेशा हमेशा मदद की है, हाँ पाकिस्तान को बिल्कुल हमेशा हमेशा मदद की है, कभी भी देख लीजिए आप इतिहास उठा करके, लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है, ट्रंप ने पूरी तरीके से मना कर दिया, और नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पाकिस्तान, हमारी और आपकी जो लड़ाई है वो अशिक्षा से है, बेरोजगारी से है, गरीबी से है, हम फाइट करना है तो बिल्कुल उसमें फाइट करें, उसमें हम कंपटीशन लगाएं। बिल्कुल यस, कि हम GDP आपसे ज्यादा तेजी से बढ़ा के दिखाएंगे, हम गरीबी आपसे तेजी स्पीड से हम कम करके दिखाएंगे, वहां है ये जमीनों के टुकड़े को लेकर के, जो कि तुम्हारा है भी नहीं था, और वहां पे खाम खा के वहाबिज्म को बढ़ा करके हर साल हजारों मस्जिदें वहां बढ़ रही थी। और स्पार्टकस भाई, आजकल के बढ़ते जमाने में जहां हम हिंदुस्तान को एक विकसित देश देखना चाहते हैं, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री भी है,
वहां मदरसे खुलते जा रहे और स्कूल बंद होते जा रहे थे, अलगाववादियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे और वहां का जो नॉर्मल नागरिक है उसके बच्चे घरों में बैठे थे, और जबरदस्ती उनको मदरसों में जाना पड़ता था ताकि वहाबिज्म सीख सके, आतंकवाद सीख सके। छोटे छोटे बच्चों के वीडियोज आते थे, क्या करोगे, मैं वो बनूंगा सुसाइड बॉम्बर बनूंगा, मैं मुजाहिद बनूंगा, मैंने मुजाहिद, छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये सब चीजें सुनी है। तो वो चीजें अब बात करते हैं कि मतलब इस्लाम जो है वो ह्यूमैनिटी सिखाता है, पीस सिखाता है। मेरे उसमें आगे कमेंट करते हैं लोग कि तुमने गलत बोला, मैंने कहा क्या गलत बोला वो बता दे, उस पर कोई कमेंट नहीं आता है। तो मैंने जहां तक इस चीज को देखा है, उसी के लिए सिर्फ हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि इस्लाम अगर था रहा होगा 1400-1500 साल पुराना, उसकी बुक के ऊपर हम इतनी बड़ी स्पार्टकस यहाँ बैठे हुए रिसर्च करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी, हम बता रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो। आपको ये होना चाहिए कि यार ठीक है मैं 2 मिनट के लिए भूल जाता हूँ कि हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन जो उसके डेमोग्राफिकल चेंजेस थे, जो उसमें इतनी सारे चेंजेस आए हैं, उसके ऊपर मात्राओं के इतने सारे चेंजेस आए हैं जिनके ऊपर हम पिछले वीडियोस में इतनी सारी बात कर चुके हैं, आज हम एक बात करने वाले हैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब चीजों को अगर हम पैरेलली देखते जाएं तो हमें खुद पता लग जाएगा हम किस, जहां पे रह रहे हैं उस देश की तरक्की के लिए ना सही, चलो ठीक है इस्लाम में देश की भावना को नहीं माना गया है, यार अपनी फैमिली के लिए कर लो। तुम ये क्यों सोचते हो कि मतलब जब तक दूसरे का नुकसान नहीं होगा, जब तक, अभी पता है आपको अभी 15 को हमारा ये हिंदुओं में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते मनाते ही एक शहर में वो लड़के को मार दिया, मतलब वो उत्सव मना रहे थे, उत्सव मनाते मनाते, और यस, और यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, और जबकि अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है मुसलमान, बकरीद हुई है, कितना हिंदुओं का विरोध था कि आप लोग ये मांस वगैरह ना काटो, कि एक भी मुसलमान ने, एक भी हिंदू ने, सॉरी, एक भी हिंदू ने एक भी मुस्लिम को अगर हताहत भी किया हो, गाली भी दी हो, उंगली से टच भी किया हो, जबकि जन्माष्टमी में आपको बताऊं मैं कि मिठाइयां बनती हैं, मेवे बनते हैं, और सेपरेट किस कोई मतलब किसी से कोई अपना पंगा नहीं होता, सिर्फ मंदिर जाते हैं बिल्कुल। वहां, यस, बस वो दूध और प्रसाद वितरण होता है, रात को हंसी खुशी मनाते हैं बस, और कुछ नहीं होता उसमें, कुछ भी नहीं था, अच्छा फिर भी अंकुर, लोगों को मारा जा रहा है। अंकुर मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था यहाँ पर। दो बातें, ये G7 के हवाले से दो बातें करनी थी। एक तो ये था कि देखें, इमरान खान जा रहा है लास्ट मंथ वहां पर, और उनकी लॉबिंग और ये वो सारा कुछ सुन के तो ट्रम्प ने बोला कि मैं मेडिटेट करूंगा, मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यहाँ पर अगर हम क्रेडिट ना देना इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को, तो उनके साथ ये ज्यादती होगी। इंडियन बिल्कुल फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत ज्यादा एफर्ट की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। ट्रम्प को, अब ट्रम्प को क्या मालूम वो कौन सा किताब पढ़ के खोल के बैठ जाता है कि जी मैं पढ़ूं कि कश्मीर का मुद्दा क्या है, वहां पे क्या है। उसको तो वही पता है जो उसको बताया जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये इन फॉरेन फॉरेन मिनिस्ट्री का क्रेडिट है कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कश्मीर मुद्दे को, और फोर्स किया है ट्रम्प को कि वो अपना जो स्टांस था उससे वापस मुड़े। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है मेरे मेरे ना जहन में अभी अभी आया, वरना ये बात मैंने पहले करनी थी। पाकिस्तान के साथ जो आज हुआ है ना, वो उसका उसका दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा 26 अगस्त है ना आज, यस 26 अगस्त है इंटरनेशनल डॉग डे, बेशक गूगल पे चेक ओ कर ले। ओ मुझे नहीं उसके नक्शे की शक्ल भी कुछ कुछ ऐसी नक्शे नक्शा भी कुत्ते जैसा ही है। तो इंटरनेशनल अरे डॉग डे वाले दिन पाकिस्तान के साथ कुत्ते भाई कुत्ते वाली हो गई साहब, है। सर भाई साहब, मतलब वो तो बहुत आप ज्यादा हद कर दी है। मेरी अभी आपको रिसर्च की पता तारीफ है करें। परसों, यस बिल्कुल, मैं आपकी इस रिसर्च की दिल से तारीफ करता हूँ। नहीं, इवन हमारे धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी, वाकई में ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। आपको पता होना चाहिए अभी परसों शेख रसीद जो वहां का रेल मंत्री है उसकी धुनाई हो गई है, लंदन में बहुत पिटाई हुई है हाँ उसकी। हाँ सुना है मैंने, हाँ मतलब उसने कहा था देखी कि हम देखी भारत नहीं के है। पर परमाणु हमला कर देंगे,
वो लंदन में फंस गया वहां लोगों को, उसकी वो जूता पहले मुझे अंडे फेंके गए उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके मुझे से, तो मतलब वो याद आपने आया कुत्ता वो याद जो, दिलाया तो मुझे ये याद आ गया। हाँ मैं भी यही बात करने वाला था कि कुत्ते से याद आया, वो जो शेख रशीद है मिनिस्टर रेलवे, वो ऐसे आदमी, वो शक्ल से आदमी है लेकिन उन्होंने मुंह पे कुत्ता बांधा हुआ है, तो जहाँ कहीं पे यस भौंकना हो वो गवर्नमेंट उसको छोड़ देती है। और ये पिछले मतलब 15-20 साल से हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं, ये कोई आइडियोलॉजिकल या कोई कोई इतने बड़े कोई वो नहीं है जिनके अंदर कोई मोरालिटी होती है, बस इनका भौंक भौंक के जो है ना वो पैसा बनाना काम होता है। अच्छा टॉपिक की तरफ आए या कुछ ऐड करना है आपने? यस नहीं मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, बस ये मैंने एक बार पार्लियामेंट में बोलते देखा था जहां इसने गजवाए हिंद की बात की थी, इसने काफिरों को मारने की बात की थी, काफी सारी इसने बातें की थी, तो मुझे कुत्ते के नाम से इसकी और भी बहुत सारी बातें याद आएगी। लीव इट, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ टॉपिक की तरफ, हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक सिलसिला जिसकी वीडियो लास्ट संडे हमने अपलोड की थी, डेमोग्राफिकल चेंजेस इन कुरान। तो मैं थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ। उसमें हम लोगों ने कुरान की जो पुरानी कॉपियाँ मिली हैं उनका बताया था कि वो कहाँ कहाँ पर मिली हैं और उनके साथ क्या क्या बलात्कार का वर्ड सही रहेगा, बलात्कारी का वर्ड ही सही रहेगा,